अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था, रिफ़ंड अपडेट एक छोटी सी देंगे और साथ में फिशिंग 32 ABCD, 33 ABCD, 29 ABCD, यानी ये जो न्यू प्रिसिंग थे इसके बारे में भी कमेंट करेंगे कि आज इन प्रिसिंग की क्या सिचुएशन है, और जिन लोगों को इन प्रिसिंग की बजाय प्रिसिंग 61, 62 और 63 में शिफ्ट किया गया वो आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यानी अगर वहाँ पे आप लोगों का प्लॉट एडजस्ट हो गया है तो ये कोई अच्छा फैसला है वहाँ पर वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे जाना, या इस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को अकोमोडेट करना या एडजस्ट करना बेहतर है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिफ़ंड वाले लोगों की। मेरी नज़र में रिफ़ंड के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनको मतलब डिफरेंट फेजेस में कुछ लोगों को रिफ़ंड चेक्स मिल चुके हैं, और लेकिन चेक्स भी फिर बाउंस हुए, और खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन लोगों को चेक्स मिले और टाइम पे कैश भी हो गए। लेकिन अभी जिन लोगों को चेक मिल रहे हैं या जिन लोगों को डिले किया जा रहा है वो मेरी नज़र में अपना मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। यानी ये देखें कि 2019 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, यानी पूरा एक साल गुजर जाने के बाद आज समझ लें एक साल और कुछ माह का टाइम हो चुका है, और वो लोग अपनी फाइल्स भी सरेंडर कर चुके हैं बैरियर टाउन के खाते में, और इस वक्त उनके पास फिज़िकली दे हैव नथिंग, जस्ट एक रिफ़ंड की स्लिप उनके पास मौजूद है जिस स्लिप को लेके वो अभी तक वेट कर रहे हैं। और उससे अगला स्टेज आ जाता है जब आपको चेक मिल जाता है, वो स्लिप भी आप हैंड ओवर कर देते हैं तो फिर आपको रिफ़ंड के चेक्स मिल जाते हैं। चेक्स भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 60 लाख की अमाउंट है तो आपको 10 लाख रुपीज़ के कुछ 6 चेक्स दे दिए गए, या सम टाइम आपको 2-3 चेक्स इस तरह से कुछ स्मॉल अमाउंट के चेक आपको इन पार्ट्स ये पेमेंट मिली। लेकिन वो पेमेंट भी उस वक्त उसको हम पेमेंट कंसीडर करेंगे जब वो चेक्स क्लियर होंगे, यानी एक्नॉलेज होंगे UBL बैंक से जिसके भी वो चेक दिए गए हैं आप लोगों को, और चेक भी बाउंस हुए और फिर मार्केट में ये रिफ़ंड स्लिप्स और ये जो रिफ़ंड के चेक हैं ये दोनों चीज़ें इस वक्त मार्केट में सेल भी हो रही हैं, या प्राइवेट प्रोजेक्ट जिन लोगों ने किए उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करवा के उससे जान छुड़वाई। अब हम इससे अगली स्टेज पर चलते हैं कि प्रिसिंग 32 ABCD यानी जो न्यू प्रिसिंग थे ये लोगों को इस वक्त कहाँ अकोमोडेट किया गया। अभी प्रिसिंग 32, प्रिसिंग 33 और प्रिसिंग 29 के सराउंडिंग में जो इन एरियाज़ की डिवेलपमेंट थी इनको बैरिया इस वक्त कम्प्लीट कर रहा है, बाउंड्री वॉल को थोड़ा एक्सटेंशन दे के जो प्रिसिंग 32 का एरिया नॉन डेवलप था उसको आज डेवलप कर रहे हैं। ये हमने एक अलग से वहाँ जाके साइट टूर दे के भी एक वीडियो बनाई है। प्रिसिंग 29 की लास्ट 2-3 स्ट्रीट्स ऐसी थी जो गैर वाजिया यानी नॉन डेवलप एरिया के अंदर आ रही थी, उसको भी ये इस वक्त इसको क्लियर करते चले जा रहे हैं। तो उसमें भी आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए किसी खौफ से खुदा ना खास्ता कि ये नहीं दे रहे या कहीं और शिफ्ट करेंगे, वो उसी साइड पे मिल रहा है और आपको वो नहीं यानी सेल नहीं करना चाहिए। इससे आगे प्रिसिंग 33 का एरिया डिफाइन कर दिया है इन्होंने। प्रिसिंग 33 में भी बाउंड्री वॉल की जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइम जारी है, आप ऑन साइट विजिट करके देख सकते हैं। जो लोग तो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए आप या तो अपनी रीएडजस्टमेंट का लिए अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएं बैरियर टाउन में, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट लें। अगर तो आपको रीलोकेट कर दिया गया हो तो फिर आपके अकाउंट स्टेटमेंट पे इस वक्त वो आ चुका है, और फ्रेश मैप अभी तक बैरियर ने नहीं दिए। बैरियर की कमिटमेंट थी, ये एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि फेब या मार्च में जाके ये आपको यानी फेब का ज़्यादा चांस था कि 2021 फरवरी में ये नए मैप रिलीज़ करेंगे, तो जो अभी तक नहीं आया अभी तक तो लोग वेट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमारे पास इंक्वायरी ज़रूर है लेकिन ये अभी तक नहीं दिए गए। और इसकी जो न्यू प्रिसिंग 32 ABCD, 33 ABCD, इनके बहुत सारे ऐसे प्लॉट होल्डर्स हैं, ऑनर्स हैं जिन लोगों को प्रिसिंग 61, 2, 3 में वहाँ एडजस्ट कर दिया गया जो बहरिया ग्रीन के बिल्कुल साथ है। इसकी साइट को क्लैरिटी के साथ इस टाइम डिफ़ाइन किया जा चुका है, मैप भी गैर वाजिया किस्म के दिए थे लेकिन ऑन साइट जब आप जाते हैं तो सिवाए कोई 1-2 सड़कों के वहाँ मतलब कोई ज़ोर शोर से वहाँ पे इस तरह का काम नहीं हो रहा। जबकि बैरिया ग्रीन्स के ऊपर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ, जो लास्ट मैंने वीडियो दी थी वहाँ जाके, वहाँ मॉडल स्ट्रीट्स भी बन रही हैं, मॉडल हाउस भी बन रहे हैं, और वहाँ बैरिया ग्रीन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। लेकिन उसके बराबर में प्रिसिंग 61, प्रिसिंग 62 और 63 के एरिया डिफ़ाइन कर दिया कि यहाँ होगा, लेकिन वहाँ पे मतलब इन डिटेल रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवरेज लाइन,
कुछ इस तरह का काम अभी तक नहीं किया गया। और इस वक्त अगर आप कीमतें पूछेंगे मुझसे कि प्रीसिंक 61, प्रीसिंक 62 या 63 में 125 गज के प्लॉट की क्या कीमत है, तो वो तकरीबन 8-8.5 लाख या 9 लाख के लगभग इसी प्राइस रेंज में लोकेशन के अतबार से ये सेल हो रही है। इसके बाद जो प्रीसिंक 32 ABCD कुछ लोगों को प्रीवियस जो बैलेटिंग के दौरान जो दिया गया वो वही दिया गया और उसका मैप आज तक नहीं पता, लेकिन मतलब उनकी लोकेशन या वो चीज़ें चेंज नहीं की गई, उनका प्लॉट भी नए प्रीसिंक में कहीं अलॉट नहीं किया गया, उनका वही प्रीवियस यानी प्रीसिंक 32 ए ही उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा है। तो दैट्स मीन कि वो जहाँ प्रीसिंक 32 इस वक्त है उसके कहीं सराउंडिंग में ही बैरिया इन फ्यूचर कहीं अकोमोडेट करने का इरादा रखता है, या अगर इसकी कहीं लोकेशन चेंज भी कर दी है तो उसके लिए भी फरवरी 2021 का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी राइट अवे अगर ये न्यू प्रीसिंक्ट वाले जिनके पास 125 गज़ के प्लॉट, 250 गज़ के या 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और वो इन न्यू प्रीसिंक्ट में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, आप लोग अगर क्विक रेमेडी चाहते हैं तो बैरिया की तरफ से भी कोई क्विक रेमेडी आपके सामने नहीं रखी गई, कोई यानी ऐसा क्विक सोल्यूशन, कोई ऐसी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई, आप लोगों को या तो प्रीसिंक 61-2 की तरफ जाना है या यहीं पे अभी इंतज़ार करना है। तो वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप लोग इन फाइल्स को, जो फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, आप लोग यहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, इस तरह डोमिनियन अबुल कासिम के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम हो रहा है, UBN ट्रेड टावर है, इसी तरह PM रेजिडेंसिया के नाम से है, थीम पार्क रेजिडेंसिया के नाम से, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप एडजस्ट करवाना चाहें तो इट वुड बी योर गुड डिसीजन। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को एडवाइस करता हूं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद डिसाइड करें कि आपने अपनी ये जो इस वक्त यानी नेगेटिव प्राइस पर चलती हुई प्रॉपर्टी, इसको कहाँ एडजस्ट करवाना है। तो जिन लोगों ने हमारे कहने पर आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एडजस्ट करवाया, उनको आज कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल चुकी है। वो लोग आज यानी उन अपार्टमेंट्स को, उन ऑफिसेज़ को रेंट आउट करने की पोजीशन में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन क्लेम दिस। और लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वेट एंड सी वाली सिचुएशन में ही थे, उनको आज मतलब वो फाइल्स या वही नेगेटिव रेट्स फेस करने पड़ते हैं जो कि मार्केट में अप्रॉक्सीमेट 40% नेगेटिव के ऊपर चल रहे हैं। और इससे बढ़ के ये कि अगर एंड ऑफ द डे बैरिया आपको इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार करवाने के बाद यहाँ प्लॉट दे भी देता है, तो वहाँ 100% डेवलपमेंट प्लॉट की प्राइस भी कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन कराची की रियल स्टेट को, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पर रेडी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, और मतलब योर इन्वेस्टमेंट कैन मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स इन केस ऑफ प्लॉट्स। आपको ज़रूर वहाँ पर इंक्रीमेंट मिलेगा, बट इट नीड्स टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर कि अगर इन केस ऑफ प्लॉट्स आप मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, इन केस ऑफ पीस ऑफ लैंड आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। और ख़ास कर आपको अपने उस प्रॉपर्टी की लोकेशन के सराउंडिंग में कोई ख़ास किस्म की यानी कोई बेंचमार्क, कोई यानी कोई ऐसी बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ चाहिए जो उसके रेट्स को अप्रिशिएट करें। तो मज़ीद आप लोग इन चीज़ों को खुद समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम लोग छोटी छोटी अपडेट्स आपके सामने रखते रहते हैं। अगर आप हमें ये चाहते हैं कि हम किसी ख़ास आपकी कहीं और प्रॉपर्टी है या कहीं और कोई ऐसा एरिया जहां पर हमने बात नहीं की, हम उस एरिया के बारे में बात करें, तो आप हमें ज़रूर इनबॉक्स करें, ऑनलाइन आप हमें लिख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।